बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का 76वां यौम वफात। बाबा कौम मोहम्मद अली जिना की 76वीं बरसी पर मज़ार कायद पर कुरान खानी और मुख्तलिफ शख्सियात की आमद होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। मुसलह अफवाज के नुमाइंदे डीजी रेंजर्स और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब भी मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। कराची समेत मुल्क भर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की 76वीं बरसी के मौके पर सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। कायद आज़म की वफात को कई दहाइयां गुजरने के बावजूद उनके यौम वफात पर हजारों अफराद की उनके लहद पर हाजिरी और मुख्तलिफ शहरों में मुनक़िद होने वाली तकरीबात इस अमर की गवाही देती हैं कि पाकिस्तानी कौम उनसे आज भी वालेहाना अकीदत रखती है। वाज़ेह रहे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की पैदाइश 25 दिसंबर 1876 को कराची में हुई। कायदे आज़म शोबे के एतबार से नामवर वकील और सियासतदान थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना ने इब्तदाई तालीम का आगाज 1882 में अपने आबाई शहर से किया और 1893 में आला तालीम के हुसूल के लिए इंग्लैंड चले गए। 1896 में कायदे आज़म ने बैरिस्ट्री का इम्तहान पास किया और वतन वापस लौट आए। मोहम्मद अली जिना पेशे के लिहाज से वकील थे और वतन वापसी के कुछ अरसे बाद ही कायदे आज़म का शुमार बरसग़ीर के मायानास कानून दानों में किया जाने लगा था।